नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। काफ़ी लोगों ने कमेंट करके हमें बताया था कि आप प्रकृति के ऊपर वीडियो बनाइए। सच पूछे तो खुद की प्रकृति के बारे में जानना, यानी खुद की प्रकृति वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है या कफ प्रकृति है, ये जानने की उत्सुकता हर किसी के मन में रहती है और आयुर्वेद ने भी प्रकृति का बहुत महत्व बताया है। इसीलिए आज का जो वीडियो है ये प्रकृति के ऊपर है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रकृति की यानी क्या, प्रकृति कैसे बनती है, कौन कौन सी बातों का इसे बनते समय उस पर असर होता है, इसके प्रकार कौन से हैं और इसे जानना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, इन सब के बारे में आज के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रकृति यानी क्या। प्रकृति का अर्थ होता है नेचर, हमारा सहज भाव, हमारा स्वभाव। आयुर्वेद ने बताया है देह से सहज लक्षणम। देखिए, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। हर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति, शारीरिक क्रिया क्षमता, सोचने समझने की शक्ति, हर एक की बुद्धिमत्ता, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति, खान पान की रुचि, ये हर एक चीज़ एक दूसरे से अलग है। आप भी देखते होंगे कि आपके परिवार में या जहाँ पे आप काम करते हैं या फिर आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं वो हर एक दूसरे से अलग है। यानी किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या कोई हर परिस्थिति में शांत रहता है। किसी को बोलना बहुत अच्छा लगता है तो कोई दूसरा शांत रहता है। किसी किसी को काम करने की बहुत जल्दी है तो किसी को आलस है। तो ये जो सब स्वभाव है ये हमारे प्रकृति के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। तो आज देखेंगे कि प्रकृति का हमारी कौन कौन सी चीज़ों पर असर होता है और ये प्रकृति कैसे बनती है। प्रकृति हमें जन्म से बल्कि गर्भावस्था से ही मिलती है और ये मृत्यु पर्यंत हमारे साथ रहती है। क्या हम प्रकृति को बदल सकते हैं? जी नहीं, हम इसे कभी नहीं बदल सकते। और अगर हम इसे बदल ही नहीं सकते तो फिर इसके बारे में जानना ज़रूरी क्यों है? सच पूछिए तो प्रकृति का पूरा ज्ञान सिर्फ आयुर्वेद चिकित्सक के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर आप इसमें से कुछ बातों के बारे में जानेंगे तो इसमें आपका भी फ़ायदा है। तो चलिए जानते हैं कि प्रकृति का ज्ञान ज़रूरी क्यों है। अगर हमें खुद की प्रकृति के बारे में पता हो तो खान पान से संबंधित कुछ सावधानी हम बरत सकते हैं। यानी खाने में हमें कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, हमारी प्रकृति के अनुसार कौन सा आहार लेने से हमें फ़ायदा हो सकता है और किससे हमें नुकसान हो सकता है, कौन सी सब्जियाँ, कौन से फल हमारे लिए हितकर है, ये सब हम प्रकृति के अनुसार उसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे अगर समझो किसी की पित्त प्रकृति है तो सौंठ जो है वो पित्त शामक है और जो काली मिर्च है वो पित्त को बढ़ाने वाली है, तो इसके बारे में सावधानी आप बरत सकते हैं। इसके साथ साथ ही शारीरिक क्रियाएँ हमारी कैसी हो, हमने व्यायाम कितना करना चाहिए, ये भी प्रकृति के ऊपर है। एक ही व्यायाम सब प्रकृति में फ़ायदा दिलाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो हमारा खान पान है, जो ये शारीरिक क्रिया है वो प्रकृति के अनुसार हम करेंगे तो उसका फ़ायदा निश्चित हमें मिलेगा। हर मौसम में भी आपको आपकी प्रकृति के अनुसार कुछ सावधानी बरतनी होगी। जैसे जो शरद ऋतु है यानी अक्टूबर महीना है, इसमें पित्त का प्रकोप रहता है, तो जिस व्यक्ति की पित्त प्रकृति है उसने इस ऋतु में पित्त शमन करने वाला जो खान पान है उसका सेवन करना चाहिए। लेकिन ये तभी संभव है जब उसको पता है कि उसकी पित्त प्रकृति है। उसके साथ साथ ही जो आयुर्वेद चिकित्सक है वो चिकित्सा देते समय आपकी प्रकृति के अनुसार आपको औषधियाँ बताते हैं। किसी को भी खास बीमारी के लिए कोई एक ही दवाई या फिर एक ही कोई नुस्खा काम नहीं कर सकता, तो अलग अलग प्रकृति में अलग अलग औषधियों का सेवन करना ज़रूरी रहता है। इसके साथ ही प्रकृति का ज्ञान इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम दूसरों का व्यवहार समझ सके। काफ़ी बार हमें सोचते हैं कि सामने वाला इतना गुस्सा क्यों करता है या फिर इसको इतनी जल्दी क्यों है या इतना स्लो क्यों है, तो वो उसका मूल स्वभाव है, हम उसे नहीं बदल सकते। तो प्रकृति का ज्ञान हम इन सब बातों के लिए हमें बहुत ज़रूरी है ताकि हमें इन सब बातों का पता चले। इसके साथ ही एक और बात भी ज़रूरी है कि प्रकृति को जानने के लिए हमें वात पित्त कफ ये जो तीन दोष है इनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हमने हमारा पिछला वीडियो जो है वो वात पित्त कफ इन दोषों के ऊपर है, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। अब देखते हैं कि प्रकृति कैसे बनती है। तो गर्भाधान के समय वीर्य और रज यानी पुरुष बीज और स्त्री बीज इनका जब संयोग होता है तो ये जो पुरुष बीज और स्त्री बीज है इसमें जो वात पित्त कफ ये दोष है इसमें से कौन सा दोष अधिक है यानी कौन सा दोष डोमिनेंट है उसके अनुसार जो बच्चा है उसकी प्रकृति या उसका नेचर बनेगा। इसके साथ ही और भी कुछ बातें हैं जिसका प्रकृति पर असर पड़ता है, वो है गर्भाधान के समय जो माँ बाप है उनके मन की स्थिति कैसी है, गर्भाधान
का काल यानी मौसम कौन सा है, फिर गर्भाशय की स्थिति कैसी है यानी जिस गर्भाशय में ये गर्भ पलेगा तो वो गर्भाशय निरोगी है या उसमें कोई विकार है, ये भी उस पर असर करता है। उसके साथ ही जो गर्भिणी है उसके मन की स्थिति कैसी है, जो गर्भिणी है उसका खान पान, उसकी जो शारीरिक क्रिया है वो कैसी है, इसका भी उस पर असर रहेगा। इसके साथ ही जो पंच महाभूत है यानी जो आकाश, वायु, तेज, आप और पृथ्वी, ये पांच महाभूत है, उसका जो प्राबल्य है उसके अनुसार भी जो बच्चा है उसकी प्रकृति का निर्माण होगा। अब देखते हैं कि प्रकृति के प्रकार कौन से हैं। तो इसमें दोषज प्रकृति, मानस प्रकृति और भूत प्रकृति ऐसे प्रकार है। इसमें फिर दोषज प्रकृति के वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, वात पित्त प्रकृति, वात कफ प्रकृति और कफ पित्त प्रकृति ऐसे फिर से प्रकार है। और सबसे आखिरी में है त्रिदोषज प्रकृति। इसके साथ ही जो मानस प्रकृति है उसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृति है। जो भूत प्रकृति है उसके भी फिर से पांच प्रकार है। देखिए दोषज प्रकृति में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी की वात प्रकृति है तो उसमें पित्त और कफ दोष बिल्कुल ही नहीं है। हर व्यक्ति के शरीर में वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष रहते हैं, सिर्फ उसमें कौन से दोषों की अधिकता है उसके अनुसार वो प्रकृति जो है वो बनती है। अगले वीडियो में हम वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति इसके बारे में अलग अलग वीडियोस में हम विस्तार से देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।